वो जैसे कहते हैं कि अगर कोई इंसान मन में कुछ भी ठान ले तो वो करके ही रहता है, ऐसा कुछ किया है बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस भूमि पादनेकर ने। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने अपनी डेब्यू मूवी दम लगा के हईशा में 90 किलो तक वजन बढ़ाया था, और जब उनकी मूवी रिलीज होने वाली थी उससे पहले पहले उन्होंने तकरीबन 30 किलो वजन कम कर लिया था। ये बहुत आश्चर्य की बात है क्योंकि बहुत से लोग अपना वजन कम करने के लिए सालों लगा देते हैं, फिर भी 5-10 किलो कम होता है या नहीं होता, और बहुत से तरीके अपना लेते हैं वजन कम करने के लिए। लेकिन भूमि पादनेकर ने अपना वजन कम करने के लिए जो किया, आज की वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। उनका डाइट प्लान बताएंगे, इस डाइट प्लान से आप भी अपना वजन तकरीबन 10 किलो तक 2 महीने के अंदर अंदर कम कर सकते हैं। और एक सबसे बढ़िया बात कि भूमि पादनेकर ने अपना वजन कम करने के लिए अपनी मम्मा की हेल्प ली थी। उन्होंने कोई भी ऐसा बड़ा कोई ऐसा न्यूट्रिशन वाला कोई पर्सन ऐसे हायर नहीं किया अपना वजन कम करने के लिए। सिंपली इंटरनेट से उन्होंने देखकर अपना डाइट प्लान बनाया था। और चलिए जानते हैं कि उनका मैजिकल डाइट प्लान क्या था। सबसे पहले हम आपको बता दें, मॉर्निंग में जैसे ही वो उठती थी तो उन्होंने डिटॉक्स वाटर लेना शुरू किया। अब डिटॉक्स वाटर है क्या? 1 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर खीरे के पीसेस नींबू काटकर और मिंट लीव्स यानी कि पुदीने के पत्ते डाल दीजिए। उस पानी को 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद आपका डिटॉक्स वाटर तैयार हो जाएगा। क्योंकि इस पानी के अंदर खीरा नींबू और मिंट लीव्स का जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारा पानी में चला जाएगा। तो ये मॉर्निंग में उठते ही खाली पेट उन्होंने डिटॉक्स वाटर लेना शुरू किया। इससे वो अपनी दिन की शुरुआत करती थी, इससे उनका वजन कम होने में बहुत हेल्प मिली उनको। एक चीज का आप ध्यान रखिए, शुगर के मामले में उन्होंने जो सफेद चीनी जो हर पर्सन अपने घर में यूज करता है उसको हाथ तक नहीं लगाया, मतलब कि सिंपल जो शुगर है उसको उन्होंने छोड़ दिया। उसकी जगह पर अगर उनका मीठा खाने का मन होता था तो उन्होंने शहद, जैगरी यानी कि गुड़ और डेट शुगर, ये खजूर की बनी हुई शुगर है, ये 3 चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया मीठे की जगह पर। सिंपल शुगर यानी कि चीनी का त्याग कर दिया। तो आप भी पतले होना चाहते हैं तो जो सफेद शुगर है जो हम घर में यूज करते हैं उसको यूज करना छोड़ दीजिए। उसके बाद आती है ब्रेकफास्ट की बारी। ब्रेकफास्ट में वो पहले जब वो जिम जाती थी तो जिम जाने से कुछ टाइम पहले वो मल्टीग्रेन ब्रेड खाती थी। 2 मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ व्हाइट एग का ऑमलेट लेती थी। व्हाइट एग का मतलब कि एग के अंदर जो येलो पार्ट है उसको निकालकर ओनली व्हाइट पार्ट का ऑमलेट बनाकर वो ब्रेड के साथ लेती थी, फिर वो जिम जाती थी। जिम से आने के बाद आफ्टर जिम वो ब्रेकफास्ट में 5 उबले हुए अंडे, 5 उबले हुए अंडों का सिर्फ व्हाइट पार्ट, उसमें से जो येलो पार्ट है उसको निकाल देती थी। क्योंकि कहते हैं कि येलो पार्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है और हमारे वेट को बढ़ाने में हेल्प करता है, इसलिए वो येलो पार्ट को यूज नहीं करती थी, ओनली एग का व्हाइट पार्ट, 5 बॉइल्ड अंडे। तो ये तो हो गया उनका ब्रेकफास्ट, सिंपली बॉइल्ड एग्स वो लेती थी। इसके बाद लंच की बारी आती है। लंच में हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं आटे की। उन्होंने आटे का त्याग कर दिया, आटा यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि आटे के अंदर इतनी एनर्जी, इतना कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपको मोटा करने के लिए काफी है, इसलिए उन्होंने आटा खाना बंद कर दिया। अब आटे की जगह पर उन्होंने मल्टीग्रेन आटा शुरू कर दिया। मल्टीग्रेन में उन्होंने क्या क्या चीजें यूज की, उन्होंने अपने आटे के अंदर ज्वार, बाजरा, राजगिरा, रागी और चना, ये 5 चीजों को मिलाकर एक आटा बनाया। वो आटे की रोटी बनी हुई खाते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी मम्मा की हेल्प ली, उनसे हेल्प लेकर उन्होंने अपना आटा तैयार किया और आटा बनाकर इस आटे को वो यूज करती थी लंच में। उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स को लेना बंद कर दिया था। इस तरह से रोटी के साथ उनको सब्जी जो भी हम घर में खाते हैं, दाल या कोई उबली हुई सब्जी, वो उसका सेवन कर लेती थी लंच में। अगर कभी कभी उनका नॉनवेज खाने का मन होता था लंच में तो वो ग्रिल्ड चिकन खाती थी। तो ये तो हुई लंच की बात, अब जो लंच में वो करती थी। उसके बाद आती है शाम के, इवनिंग के स्नैक्स की बारी। इवनिंग स्नैक में उन्होंने क्या किया, एक फ्रूट की बाउल, एक ग्रीन टी और उसके बाद थोड़े से एलमंड्स या वॉलनट। इवनिंग स्नैक्स में उन्होंने ग्रीन टी और फ्रूट्स और उसके बाद थोड़े टाइम बाद एलमंड या वॉलनट्स। उसके बाद आती है शाम के 7 बजे वो सलाद खाती थी। सलाद में जितना हो पाए वो ग्रीन सैलेड का यूज करती थी। सिंपली सैलेड की एक बाउल वो 7 बजे खाती थी और रात को 8:30 बजे वो अपना डिनर कर लेती थी। रात को 8:30 बजे डिनर के टाइम पर, डिनर में वो एक तो मल्टीग्रेन आटा, जैसे उन्होंने सिंपल रोटी का त्याग कर दिया था और मल्टीग्रेन आटा खाती थी, और साथ में सब्जी में वो कोई भी पनीर की सब्जी
और साथ में कोशिश करती थी अगर ग्रीन लीव्स की कोई भी सब्जी हो जैसे साग पालक ऐसी कोई चीजें वो उनका सेवन करती थी। अगर नॉनवेज खाती थी तो नॉनवेज में ग्रिल्ड चिकन या फिर ग्रिल्ड फिश का यूज करती थी। तो ये था उनका डाइट प्लान। आप उनके डाइट प्लान में एक चीज नोटिस कीजिए कि उन्होंने अपने डाइट प्लान में ये बस कोशिश की थी कि वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स को किसी तरह से कम कर पाए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स चीनी में थे, उन्होंने चीनी यूज करनी बंद कर दी। कार्बोहाइड्रेट्स उनको सिंपल आटे में लगते थे, व्हीट फ्लोर में, उन्होंने आटा बंद कर दिया। तो इस तरह से आप भी क्या कीजिए, या तो इनका डाइट प्लान फॉलो कर लीजिए जो हमने आपको बताया, या फिर जो भी आपका डाइट प्लान है उसमें जो भी चीजें आप रेगुलर यूज करते हैं, जो रेगुलर आप खाते हैं, उनको इंटरनेट पर एक बार सर्च कीजिए कि उनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है या कम। तो जिन चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स आपको ज्यादा मिलेगा उन चीजों का यूज करना बंद कर दीजिए। उसके अलावा कोई ऐसी चीजें खाना शुरू कीजिए जिनमें प्रोटीन ज्यादा हो। तो इस तरह से आप भी अपना वजन जल्दी ही कम कर पाएंगे। अगर आपको हमारा बताया हुआ डाइट प्लान अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को प्लीज एक बार लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस सबसे पहले पहुंचे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। थैंक यू सो मच।